इंस्टा गुरु चैनल के सभी दर्शकों को मेरा एक बार पुनः नमस्कार। आज इस सब्जेक्ट में हम जानेंगे कि नवमांश चक्र को कैसे देखें, नवमांश चक्र क्या होता है, कुंडली में और नवमांश चक्र में क्या ज़्यादा फर्क है या इसका क्या महत्व है, आइए जानते हैं। सबसे पहले किसी की भी कुंडली आप जब देखते हैं तो उसके कुंडली में जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली, उसके बाद होरा, त्रिशांश, नवमांश, द्वादशांश, त्रयोदशांश, षोडशांश, सप्तमांश इत्यादि चक्र होते हैं। लेकिन किसी की भी कुंडली अगर देखना हो ना तो वो जन्म कुंडली से उसके जीवन का समूचा हाल आप बता सकते हैं, ठीक है। अब जन्म कुंडली में कोई पूछता है कि मेरी स्त्री यानी कि होने वाली पत्नी कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा। अब होने वाली पत्नी का स्वभाव कैसा होगा तो जो अभी हमारे पास आई ही नहीं है, हम उसकी कुंडली जानते ही नहीं हैं, तो हम कैसे बता सकते हैं उसका स्वभाव, ऐसी अवस्था में क्या करें। उसी के लिए ये होता है नवमांश चक्र। हालांकि नवमांश चक्र से व्यापार और जीवन की बहुत सारी समस्याएं देखी जाती है। जन्म कुंडली से जब पूर्ण रूपेण कोई स्पष्टीकरण ना मिले तब हमें उस विषय को लेकर के नवमांश चक्र पे जाना चाहिए, ठीक है। तो जन्म कुंडली जातक के संपूर्ण जीवन का समाचार हालचाल बताती है और सप्तमांश जो हमारी होती है चंद्र कुंडली, चंद्र कुंडली से मनुष्य के जीवन में सुख दुख, स्वास्थ्य, विचार, माता का विचार, मामा का विचार, व्यापार का विचार इत्यादि किया जाता है। परंतु स्त्री की कुंडली तो हम तभी देख पाएंगे जब हमारा किसी का विवाह हो चुका होगा और उसको जन्म कुंडली, जन्म तारीख पता होगी। मान लीजिए किसी की स्त्री की जन्म कुंडली है ही नहीं, जन्म तारीख है ही नहीं, और पुरुष की जन्म कुंडली है, तो पुरुष की जन्म कुंडली में नवमांश चक्र देखने का बड़ा सुंदर विधान है। और नवमांश चक्र बनता कैसे है इस बारे में गणित ज्योतिष के अंतर्गत ये बताया जाता है। नवमांश चक्र को देखने के लिए इसके राशि के नवे अंश को नवमांश कहते हैं। वैसे एक राशि 30 अंश की होती है और 30 राशि का नवमांश क्या होगा वो आप गणित ज्योतिष में सीखेंगे, आगे हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए हम नवमांश चक्र के इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए आप ये जन्म कुंडली देख रहे हैं, इसमें कोई ग्रह नहीं बैठे हैं, मैंने बैठाए नहीं जानबूझ करके, तो इसमें मेष लग्न आ रहा है, ठीक है। ये हो गई जन्म कुंडली। अब जन्म कुंडली में मेष लग्न का स्वामी मंगल है। ये आदमी के स्वभाव यानी जातक के अपने स्वभाव के लिए बताता है। लेकिन अब पत्नी के बारे में कोई पूछता है मेरी पत्नी कैसी होगी, तो उसके लिए ये सप्तम चक्र जो जहाँ 7 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, यहाँ का जो स्वामी होगा उसको हमने देखना है। तो वो अगर बैठा हुआ है शुक्र चौथे स्थान पे या 10वें स्थान पे या 9th स्थान पे, तो हमने उस शुक्र को ये मान के चलना है कि वही स्त्री है, और उस स्त्री के ऊपर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ती है और उसका स्वभाव कैसा होगा, ठीक है। ये तो हो गई जन्म कुंडली में स्त्री के बारे में जानने की विधा, लेकिन यहां से स्पष्ट नहीं हुआ, तब हमको आगे जाना है नवमांश चक्र पर। अब इसी के अंतर्गत नवमांश चक्र की एक कुंडली कोई भी, एनीवे कोई भी ले लो, मान लो इसी को आप चंद्र, इसी को चंद्र कुंडली मान लो, इसी को नवमांश कुंडली मान लो, ठीक है। अब इस कुंडली में हमने देखना है ये नवमांश चक्र है, मेष लग्न है, ठीक है। अब मेष लग्न है तो ये लग्न ही स्त्री का लग्न होगा, ठीक। अब इस लग्न के हिसाब से नवमांश चक्र का लग्न क्या बना, मेष, और मेष राशि का स्वामी कौन है, मंगल। अब यहां से मंगल कहां पर बैठा हुआ, अगर मंगल यहीं पर बैठा हुआ है अपने ग्रह में बैठा हुआ है तो अलग की बात है, स्वभाव के बारे में हम बताएंगे। यदि
मान लो यहाँ पर वृक लगन होता, मिथुन लगन होता, कर्क लगन होता, तो क्या होता? तो सबसे पहले नवमांश चक्र के उस विषय को लेकर के हम मुख्यतः चलते हैं। अगर नवमांश लगन से देखा जाए तो स्त्री भाव का विशेष विचार किया जाता है। इससे क्या होता है, स्त्री के आचरण का, स्वभाव का, चेष्टा का, प्रवृत्ति का, और उसका कैसा रहन सहन होगा, इन सब बातों को देखना होता है नवमांश चक्र से। मान लीजिए नवमांश लग्न का स्वामी यहां पर मेष लग्न है, तो इसका स्वामी मंगल हो गया। तो मंगल का स्वभाव क्रूर होता है, गर्म होता है, तो स्त्री का स्वभाव क्रूर और गर्म मिजाज का होगा। और जब गर्म मिजाज का होगा तो उल्टा भी कह सकते, लड़ाकू भी कह सकते हैं, मतलब वो मंगल की वजह से लड़ाकू होगी, ठीक है। अब यही मान लीजिए कि यहाँ पर सिंह लगन होता, तो सिंह लगन होता तो सिंह का मालिक कौन हुआ, सूर्य। तो अगर सूर्य होता तो ऐसी स्त्री क्या होगी, सूर्य। ऐसी स्त्री जिसको मिलती है, जिसका नवमांस सूर्य स्वामी होता है, उसकी स्त्री पतिव्रता हाँ गर्म स्वभाव की जरूर होगी, लेकिन उसके अंदर पातिव्रत्य होगा और सत्य होगी, वो सच बोलने वाली होगी, स्पष्ट बोलने वाली होगी। मान लीजिए कि यहाँ पर कर्क लगन होता, जहाँ मेष लगन है यहाँ पर कर्क लगन होता, तो कर्क लगन का स्वामी कौन हुआ, चंद्रमा हुआ। तो अगर चंद्रमा हुआ तो चंद्रमा शीतल होता है, लिहाजा पता लगता है कि वो स्त्री शीतल स्वभाव की होगी और उसका रंग गोरा होगा, क्योंकि चंद्रमा का रंग सफ़ेद है, गोरा है, और चंद्रमा मिलनसार होगा, ठीक है। मान लीजिए बुध है तो मिथुन लगन है या कन्या लगन है यहाँ पर, तो अगर बुध है तो वो स्त्री जॉब वाली होगी, पतिव्रता हो ना हो लेकिन उसके अंदर कलाकारिता होगी, चतुर होगी, चित्रकारिता आती होगी, सुंदर आकृति होगी और सिलाई कढ़ाई इत्यादि में निपुण होगी, ऐसा बुध की वजह से पता लगता है, यानी पढ़ी लिखी होगी। अब हम देखते हैं अगर यहाँ पर धनु या मीन लगन है तो धनु और मीन लगन का स्वामी कौन हुआ, बृहस्पति हुआ ना। तो बृहस्पति अगर है तो बृहस्पति का स्वभाव क्या है, ऐसे में ऐसी स्त्री गेहूं कलर की, मतलब सुंदर होगी, सुदृढ़ होगी, थोड़ा स्थूल शरीर होता है, मोटा होता है, ठीक है। उसका रंग जो है थोड़ा पीलेपन में, स्वर्णिम कांति वाली होगी, ज्ञानवती, शुभ आचरण वाली, पतिव्रता, सौम्य स्वभाव, व्रत और तीर्थ करने में उसकी बहुत रुचि होगी, दान धर्म में उसकी बहुत रुचि होगी, बड़ों का आदर सम्मान करने वाली होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं, यदि वृक और तुला लगन होता है यहाँ पर, तो वृक का मालिक और तुला लगन का मालिक शुक्र हुआ, तो यदि शुक्र है यहाँ का स्वामी तो क्या होगा, तो इस स्त्री कैसी होगी। यदि शुक्र है तो शुक्र स्वभावतः सरल तो नहीं कहूँगा, लेकिन शुक्र कला प्रिय, उसके अंदर राग रंग गान बजान विद्या श्रृंगार प्रिय, विलासी और काम क्रीड़ा में प्रवीण होती है ऐसी औरत, गोरा रंग, हाँ व्यभिचार के थोड़ा सा व्यभिचारी स्वभाव में हो जाती है, ठीक है, क्योंकि शुक्र आकर्षण का प्रतीक है, सौंदर्य का प्रतीक है, विलासिता का प्रतीक है, सेक्स का प्रतीक है, ठीक है। मान लीजिए वृक और तुला लगन के बाद हम यहाँ चलते हैं, मकर लगन या कुंभ लगन होता है यहाँ पर, तो मकर या कुंभ लगन होता तो स्वामी हो गए शनि। अब जिसके नवांश में नवांश पति शनि हैं, तो ऐसी स्त्री शनि की तरह स्वभाव वाली क्रूर होगी, कुल के विरुद्ध आचरण करने वाली, श्याम वर्ण होगी, गोरी नहीं होगी, और नीच संगत में ज़्यादातर गलत संगत में बैठने का स्वभाव होगा, प्रपंच करने का स्वभाव होगा, लड़ाकू होगी, चिड़चिड़ी होगी, और एक दूसरे से मतलब चुगली निंदा करने वाली,
और पति से विरोध करने वाली होती है, अगर नौमांश में स्वामी शनि है तो। मान लीजिए नौमांश लग्न का स्वामी राहु के साथ हो, मान लीजिए मंगल, इस लग्न का स्वामी मंगल हुआ और मंगल जहां बैठा हो वहां पर राहु बैठा हो तो ऐसी स्त्री दुराचारिणी, उल्टा दुष्ट। अगर नौमांश लग्न का स्वामी शुभ ग्रह में बैठा होगा, स्वराशिस्थ बैठा होगा केंद्र और त्रिकोण में, तो जातक की स्त्री का पूर्ण सुख उसको मिलता है। और अगर नौमांश लग्न का स्वामी भाग्येश के साथ यानी तुला सप्तम या ग्यारहवें भाव में उच्च का होकर के बैठा हो तो ऐसी स्त्री जो है अनेक प्रकार का लाभ देती हैं, ससुराल पक्ष से धन उनको मिलता है, स्त्रियों को सुख मिलता है, और पुरुषों को जिसका स्वामी नौमांस से बढ़िया बैठा है तो उसको ससुराल से काफ़ी सुख संपत्ति प्राप्त होती है। नौमांश लगन अगर स्वामी पाप ग्रहों से युक्त बैठा हो तो, या फिर दृष्ट बैठा हो, मान लो लग्न का स्वामी मंगल है, अगर वो चंद्रमा के साथ बैठा तब तो ठीक, लेकिन छठवें आठवें और बारहवें भाव में अगर नौमांश पति बैठ जाए तो ऐसी जातक की स्त्री नहीं होती है, उसको सुख ही नहीं होता है। और जितने पाप ग्रहों से दृष्ट होगा या युक्त होगा उतने ही स्त्रियों का नाश करने वाला होगा। इस तरह से नौमांश कुंडली का विचार किया जाता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हो सकता है कि आपको न समझ मिले तो एक बार प्रयास आप करिएगा, प्रयास करके आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये नौमांश को कैसे देखते हैं इस तरह से मैंने आपको बताया, कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। यहीं से लेता हूँ विदा। जय श्री कृष्ण। नमस्कार सभी को।